माफिया मुख्तार अंसारी आतंक का दूसरा नाम था, आज उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आज मुख्तार अंसारी का परिवार गम में डूबा हुआ है, लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जो मुख्तार अंसारी के सताए हुए हैं। इन्हीं में से एक मामला है नंदकिशोर रूंगटा का, जो बनारस के मशहूर कोयला व्यापारी थे। उनके अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। सुनवाते हैं आपको। माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन जब तक पूर्वांचल में उसकी सल्तनत चली, लोग उसके नाम से भय खाते थे। अपने बाहुबल के दम पर वो अपराध की नई नई सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम किए जा रहा था। मुख्तार अंसारी के गुर्गे सड़कों पर खून खराबा करने से पीछे नहीं हटते। वाराणसी और चंदौली में मुख्तार अंसारी के अपराध की कहानी आज भी लोगों के जहन में ताजा है। मुख्तार के गुनाह की किताब काफी बड़ी, जो एक बार शुरू हुई तो उसके बाद उस किताब में जुर्म के कई पन्ने जुड़ते चले। इन्हीं में से एक मामला है नंदकिशोर रूंगटा का। बनारस के रहने वाले नंदकिशोर रूंगटा हत्याकांड ने उस वक्त पूरे देश को झकझोर दिया था। आज से 26 साल पहले यानी साल 1997 की बात है, जब विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता और मशहूर कोयला कारोबारी नंदकिशोर रूंगटा को अगवा किया गया। बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। नंदकिशोर रूंगटा के शव को कई टुकड़ों में काटकर प्रयागराज में गंगा में बहा दिया गया था। कहा जाता है कि अपनी गाड़ी से खुद मुख्तार अंसारी मौके पर पहुंचा और नंदकिशोर रूंगटा को अपनी गाड़ी में जबरन बिठा कर ले गया। इस वारदात के बाद उनके बड़े भाई महावीर प्रसाद रूंगटा ने बनारस के भेलूपुर थाने में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। चंदौली और बनारस के बड़े कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा का है। जब आरोप लगा था कि मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों ने 1997 में न सिर्फ उनका अपहरण किया बल्कि बाद में उनकी हत्या भी कर दी गई है। आज हम उन्हीं के कोल डिपो में हैं और ये तस्वीरें आपको उन्हीं के कोल डिपो की दिखा रहे हैं। यहीं से वो कोयले का व्यवसाय करते थे और 1997 में मुख्तार अंसारी पर ये आरोप लगा था कि वो अपनी स्टीम गाड़ी सरात से आते हैं और इनका अपहरण करके ले जाते हैं। करीब 20 दिन तक परिवार से रैंसम की बात की गई थी। 5 करोड़ रुपए का रैंसम मांगा गया था। अपहरण बाद में फिर उनकी हत्या कर दी जाती है और हंडिया के पुल से उनको ये बताया जाता है कि हंडिया इलाके में पुल से उनकी हत्या कर उनको फेंक दिया जाता है। इस पूरे मामले में पहले तो पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ था और बाद में जब व्यापारियों ने बड़ा विरोध किया तो सीबीआई को पूरा मामला सौंपा गया। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मुकदमा चला और सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस मुकदमे में सभी 9 लोग बरी हो जाते हैं। फिरौती का पैसा जाने के बावजूद उसके हत्या हो जाना, यह कम से कम अपराधियों का जो एक चरित्र होता है, जो अपराधियों की भी एक नैतिकता होती है, उसको भी ये पार कर चुका था। पुलिस की जांच में पता चला कि रूंगटा को भदोही में बंधक बनाकर रखा गया, बाद में उनकी हत्या कर शव को इलाहाबाद की झूसी में फेंक दिया गया था। सीबीआई ने यह भी माना कि वारदात को खुद मुख्तार ने अंजाम दिया और इसमें उसके साथी गुरमीत सिंह, जसविंदर सिंह, परविंदर सिंह, अताउर रहमान, शहाबुद्दीन, मूसे भाई, लालजी यादव और जितेंद्र तिवारी ने उसका साथ दिया था। इनमें से गुरमीत, जसविंदर और परविंदर को सीबीआई ने 18 मार्च 1997 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभी भी ये मामला सीबीआई की अदालत में चल रहा है, लेकिन इससे पहले ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। एक जो टर्म होता है वीर पूजा, जो वीर पूजा इस संदर्भ में होता है कि जो अच्छे काम करते हैं वो वीर होते हैं, लेकिन आज जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है उसकी कि जो बहुत बुरा काम करता है उसकी भी पूजा हो रही, तो
तो उसी में ये आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, बहुत आगे बढ़े। और निश्चित रूप से जो ये 25 साल का लगभग या 20 साल का जो पीरियड बीता है, ये हर एक अपराधी को याद रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसी तरीके का अंत होता है। मुख्तार अंसारी जरायम की दुनिया में अपना नाम बड़ा कर चुका था। नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड में नैतिकता की भी बलि चढ़ा दी थी। उसको ये सुनना चाहिए जो अंतिम जो बेटे के साथ जो उनका वार्तालाप है, उसको जरूर सुनना चाहिए कि अपराधी का अंत क्या होता है, ये साबित हो जाता है। और निश्चित रूप से अपराधियों का जो एक चरित्र है वो रेखांकित होता है, टूटी हुई आवाज, खड़ा होने के लिए जद्दोजहद करना, और फिर उसके बाद में ये कहना कि रूह यहीं रह जाती है, बॉडी चला जाता है। जरा सा उस स्टेटमेंट को, उस वार्तालाप को सुनिए तो अपराधियों की क्या स्थिति होती है। कल जिसके नाम से लोग थर्राते थे, आज वह खड़ा होने के लिए पता नहीं कोशिश किया लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। आज बाहुबली मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुनाहों की दास्तां हर किसी की जुबान पर है। लोग कह रहे हैं उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। न्यूज 18 के लिए नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट। आज से करीब 20 साल पहले की बात है, जब मुख्तार के गुर्गों ने वंदे मातरम बोलने पर आजमगढ़ के छात्र नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। शिबली नेशनल कॉलेज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड की गूंज उस दौरान दूर दूर तक सुनाई दी। माफिया मुख्तार अंसारी इस दुनिया से रुखसत ले चुका है, लेकिन उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी थी जिसका जिक्र भर सामने आने से लोगों को पुराने दिन याद आने लगते हैं। मुख्तार अंसारी ने सियासत और बाहुबल के दम पर जुर्म का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वांचल में उसकी समानांतर सरकार चलती थी। मुख्तार के मुंह से एक बार जो शब्द निकल जाए, वो जो करने की ठान लेता था उसे किसी भी हाल में पूरा करके ही दम लेता था। पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी भले ही सुपुत्रे खाक हो गया हो, लेकिन उसके अपराध के किस्से आजमगढ़ में हर किसी की जुबान पर आज भी जिंदा है। वंदे मातरम का नारा लगाने की सजा एक छात्र नेता ने अपनी जान की कीमत देकर चुकाई। साल 2004 की बात है, मौका था छात्र संघ के चुनाव का। आजमगढ़ के शिबली नेशनल कॉलेज में छात्र नेता अजीत राय कॉलेज परिसर में वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और मुख्तार अंसारी के गुर्गों को ये बात रास नहीं आई। वो अजीत राय पर टूट पड़े और उन्हें लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वो बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। मुख्तार के गुर्गों का इतने से भी मन नहीं भरा, जिसके बाद में बदमाशों ने अजीत के सीने में कई गोलियां दाग दी और बंदूक का पूरा लोहा अजीत राय के सीने में उतार दिया। जानलेवा हमले में अजीत राय की मौत हो गई थी। अजीत राय एबीवीपी के कार्यकर्ता और आजमगढ़ के शिबली नेशनल कॉलेज के बीएससी थर्ड ईयर के छात्र थे और 15 अगस्त 2004 के दिन अजीत राय ने अपने कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के दिन शिक्षकों से वंदे मातरम गाए जाने की मांग की थी। उनकी इस मांग को नाजायज बताते हुए कॉलेज के ही कुछ छात्रों ने विरोध किया और इसके बाद में अजीत राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मुख्य चश्मदीद गवाह सौरभ राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की घटना हुई थी और क्या खौफ का मंजर था मुख्तार अंसारी का, क्योंकि जो बताया जाता है कि जो भी इस हत्या में शामिल थे वो मुख्तार से ही जुड़े लोग थे। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो घटना हुई थी उसमें कहीं ना कहीं से मुख्तार अंसारी का नाम आया था, क्या थी पूरी घटना उसको? जी, उसमें जो लोग हत्या किए थे वो बहुत सात्विक अपराधी हैं और उन लोगों का मुख्तार अंसारी गैंग से सीधा संबंध था और उन्हीं की सह पाकर ये लोग
अजीत राय की हत्या किए थे और आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करना, गोली चला देना, ये उन लोगों का रोज का ये धंधा था उस समय। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से बनी है उसके बाद से अपराधियों पे काफ़ी लगाम लगा है और अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है। मुख्तार का वर्चस्व केवल अपराध तक सीमित नहीं था बल्कि शासन भी उसको चुनौती नहीं दे पा रहा था। शायद यही वजह थी कि छात्र नेता अजीत की हत्या के बाद 3 दिन तक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, तब गोरखपुर के सांसद और आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे और धरने पर बैठ गए। योगी की आवाज बुलंद करने के बाद ही हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई की गई। मुख्तार के दौर में पूर्वांचल में हत्या, अपहरण, फिरौती तो बेहद आम हो गई थी। पूर्वांचल के लोग भी इससे त्रस्त हो चुके थे। आज मुख्तार की मौत के बाद में आजमगढ़ के लोग अजीत राय की मौत की सच्ची श्रद्धांजलि बता रहे हैं। इन लोगों ने अजीत राय को अकेले पाकर सिबली कॉलेज में उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दिया था और हत्या के बाद काफी बवाल हुआ था, यहाँ पे कर्फ्यू भी लगा था और इसको लेकर पहले तो यहाँ का प्रशासन जो था उसमें सपा की सरकार थी, यहाँ का पुलिस प्रशासन FIR तक दर्ज नहीं कर रहा था। उस दौरान प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे। उस दौर में आजमगढ़ में जो माहौल था आज भी उसका खौफ लोगों के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और वंदे मातरम गाने पे अगर हत्या कर दी जाएगी तो फिर हम भगवान का नाम भी लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आज जिसका न्याय नहीं कर पाए, न्याय वाले नहीं कर पाए, हमारी जज नहीं कर पाए, उसका न्याय आज भगवान ने किया और उनको, उनकी आत्मा को आज शांति मिली और उनको हम आज इस हत्याकांड के बाद, ये जो मृत्यु इनकी हुई है, जिस भी कारण से इनकी मृत्यु हुई है, हम इनको, अजीत राय को एक भावभीनी श्रद्धांजलि आज मिली उनको और ये खौफ मुख्तार अंसारी का आज से हट गया, सभी लोगों के दिल से हट गया। गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, कोई भी उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता था। आजमगढ़ में तो मुख्तार अंसारी का इतना खौफ था कि उसकी बात न मानने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। मुख्तार की सल्तनत को ललकारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्तार ने अपनी दहशत कायम करने के लिए पूर्वांचल को रक्तांचल में बदल दिया था। एक कहावत है छोटी सी, बहुत पॉपुलर है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाऊं, तो जिसने जैसा किया उसको वैसा मिला। जब उसकी भी हत्या हुई होगी तो आज जो उनके घर वालों पे बीत रही है, उस दिन उस बेचारे के भी घर वालों पे ऐसा ही बीत रहा होगा। तो आज वो घर वालों के दिल पे बहुत दिनों के बाद जो ठंडक पहुंची होगी, इसके बाद इससे वो राहत उनको आज बहुत मिली होगी। तो जिस तरह से हर आतंक का खात्मा, अतीक का खात्मा हुआ, इन मुख्तार अंसारी का खात्मा हुआ और जिस तरह से भगवान न्याय करते जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सारे जो अपराधी हैं उनका खात्मा हो। वंदे मातरम का नारा लगाना ही छात्र नेता अजीत राय की जिंदगी पर भारी पड़ गया। सही मायनों में आज अजीत राय के परिवार को इंसाफ मिला है। आजमगढ़ से न्यूज 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी के जुल्म की कहानी बहुत लंबी है। उसकी दबंगई के आगे सैकड़ों परिवारों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। हरीश चंद विश्वकर्मा भी उन्हीं में से एक हैं।
मऊ में रहने वाले ये हरीश चंद्र विश्वकर्मा है और ये मुख्तार और उनकी गैंग के निशाने पर आए थे। साल 2003 में ये रेलवे से रिटायर हुए और इनके साथ ही मुख्तार के गुर्गो ने नाइंसाफी की थी, लेकिन हरीश चंद्र हार नहीं माने और केस लड़ते रहे। हरीश चंद्र विश्वकर्मा ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 2003 में जमीन हड़पने का मामला दायर किया था। ये मुख्तार के खिलाफ जमीन हड़पने का पहला केस दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, उनकी 2000 ईंट भी चुरा लिए गए थे, क्योंकि मुख्तार को एक कार्यक्रम में आना था और रास्ते के लिए इन ईंटों का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि इस आवेश में हम ईंटा रखे थे घर बनाने के लिए, एक टाली अभी गिराए थे, उस ईंटा को भी लेकर के खड़ंजे मेले लगा। मुख्तार अंसारी के आने से पहले उस समय इतना खौफ था मुख्तार अंसारी का और उनके लोगों का, तो लोग किस तरह से तोले के बाद ये लोग एक मत होकर के हमारा ईंटा ले लिए लोग। अच्छा, मतलब उन लोगों का वर्चस्व बढ़ गया। बढ़ गया मुख्तार अंसारी को इस सिक्के से तोलने के बाद उन लोगों का वर्चस्व बढ़ गया। उस जमाने में मुख्तार अंसारी के नाम से लोग खौफ खाते थे, लेकिन हरीश चंद्र ने बाहुबली और उनके गुर्गों के सामने हार नहीं मानी। उसके बाद अपना लड़ाई शुरू कर दिए, हम लिखा पढ़ी शुरू कर दिए, डीएम के हैं, एसपी के हैं, और मतलब कि ये कौन सा सन था उस समय जब आप रिटायर होके आए थे? 2003 30 जून 2003। मुख्तार अंसारी से आपको डर नहीं लगा था जब आपने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, उनके गुर्गों के खिलाफ? उस समय तो तूती बोलती थी उसकी। नहीं, ठीक है, तूती बोलती थी, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दिल में एक भाव आया कि जब मरना है ये है, तो कहने का मतलब है कि वैसे भी मर जाना है, ऐसे भी मर जाना है, तो कुछ करो ताकि कुछ ये तो रहेगा कि हाँ उसने कुछ किया, मर गया लेकिन किया तो। मुख्तार की क्राइम फाइल में ऐसे कई पन्ने दर्ज हैं जिनमें गरीबों से नाइंसाफी की दास्तां है, जिन्होंने मुख्तार के जुल्म का दंश झेला है। मऊ से न्यूज 18 के लिए अभिषेक राय की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि मुख्तार का किस कदर आतंक था। मुख्तार अंसारी किसी के लिए रॉबिनहुड था तो किसी के लिए वो खौफ का दूसरा नाम था। मऊ में रहने वाला सुशील का परिवार भी कई सालों से डर में जी रहा था, लेकिन मुख्तार की मौत से मऊ की जनता ने राहत की सांस। माफिया मुख्तार अंसारी जिस मिट्टी में पैदा हुआ था वो इसी मिट्टी में मिल गया, लेकिन जेल जाने से पहले मुख्तार की दहशत पूर्वांचल में दूर दूर तक देखने को मिलती थी। लोग उसके बारे में बात करने से भी असहज हो जाते थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी का खौफ ही ऐसा था। मुख्तार अंसारी से सीधे पंगे लेने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाता था, लेकिन मऊ के किन्नूपुर गाँव के सुशील कुमार सिंह मुख्तार की सल्तनत के आगे नहीं झुके। साल 2014 में मुख्तार अंसारी ने बड़ी साजिश रची थी। इसमें आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में एक मजदूर की हत्या कर दी गई थी और मुख्तार अंसारी ने विरोधियों को फंसाने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया था, लेकिन वो खुद ही इसमें फंस गया। सुशील कुमार सिंह ने मुख्तार के खिलाफ गवाही दी। देखिए, उनको उनका धमकाने का तरीका अलग अलग रहा है, कभी मूंछों पे ताव देना, कभी दांत को रगड़ना, कभी घूर के देखना, कभी ये बाबू साहब का घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, इस तरीके का एक्टिविटी उनकी रहती थी। और अपने लोगों से खबर दिलाना कि घर पे माँ के यहाँ भेजना, पिताजी के यहाँ भेजना, भाइयों के यहाँ खबर दिलाना कि इस मामले में ना वो आपके बिरादरी के हैं, ना आपके गांव के हैं, ना आपके प्रदेश के हैं, वो मजदूर हैं, मजदूरों के पक्ष में आप गवाही क्यों दे रहे हैं, उससे आपको क्या मतलब है। कभी किसी के माध्यम से मेरी पत्नी तक खबर भेजवाना कि बताओ इसके पहले तमाम गवाह मार दिए गए, ये किसके खिलाफ गवाही दे रहा है, इसको ख्याल नहीं है, इस तरीके का जैसे लोगों से तरह के वो खबर दिलाते रहते थे। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी ने जज के सामने ही सुशील को धमकाया था। सुशील कुमार वकालत करते थे, लेकिन उनको वकालत छोड़नी पड़ी।
अपना लगा है कि उस नहीं अभी भी मैं कहाँ कहीं जाओ थोड़ो रहा हूँ घर ही पे रहते हैं, एक माहौल भय बना रहता है। अभी तो अनुज कनौजिया खुद ही अपराधी है, बाहर है, 1 लाख का इनामी है, उसके खिलाफ भी गवाही है। मुख्तार अंसारी अपने थोड़े गोली चलाने जाते थे, वो तो 15 साल से जेल ही में है, 20 साल से। वो तो उसके शूटर अपने शूटरों से ही मरवाते हैं ना। साल 2005 में मऊ दंगों की आग में झुलस गया, इसमें 17 लोगों की जान गई थी और इन दंगों का सूत्रधार भी मुख्तार अंसारी ही था। मुख्तार खुली जिप्सी में हथियार लहराते हुए अपने गुर्गों के साथ खुलेआम घूम रहा था, जो इस बात की गवाही देता है कि उस वक्त मुख्तार अंसारी का कैसा रसूख रहता होगा। किसी दौर में मऊ में मुख्तार अंसारी का वर्चस्व दबदबा रहता था, लेकिन अब मुख्तार की मौत के बाद से वो दबदबा भी दरकता दिख रहा है। सही मायनों में मऊ की जनता ने अब राहत की सांस ली है। मऊ के लोगों ने भी उस दौर के भयानक मंजर देखे हैं। मुख्तार अंसारी से दहशत थी? दहशत तो था ही भाई, उसमें क्या है, सब लोग पूरा मऊ जानता है। हाँ, दहशत तो था ही। अब खत्म हो गया? अब खत्म, अब तो मालूम पड़ेगा ना, अब तो अभी तो आज ही की बात है ना, बाद में मालूम पड़ेगा ना भाई। उनकी दहशत तो खत्म हो गई, लेकिन उनके बढ़ावा देने वाले हमारे मुलायम सरकार थे। उनको बढ़ावा देने वाले, जितना ही बढ़ावा दिया है मुलायम सरकार ने किया है, उन्हीं की वजह से। क्या नहीं, क्या क्या आपको बोले, वही मुलायम सरकार ने जो भी किया है, मुलायम सरकार ने किया है। मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों परिवार पर करारी चोट की है, किसी की जमीन कब्जाई तो किसी की हत्या में सीधा उसका नाम आया। अपने गुनाहों की सजा वो सलाखों के पीछे काट रहा था, लेकिन अब वो खुद मिट्टी में मिल चुका है। मऊ से न्यूज 18 के लिए अभिषेक राय की रिपोर्ट।